अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? सबको वेलकम मेरे चैनल के ऊपर। मैं फातिमा चौधरी अपने DIY चैनल के साथ। तो चलें जी, अब मैं आज इसको रिवैम्प करूँगी, लाइक यू नो, या इसको मैं चेंज करूँगी कलर को, जो भी आप लोग कह रहे हैं, रिवैम्प कह रहे हैं या ओल्ड टू न्यू कह लें। सो ये मेरे पास पीस था, प्योर वन का पीस है, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं अब, लाइक यू नो कि आई वॉन्ट टू चेंज इट। सो इसको अब हम जो है थोड़ा सा न्यू टचअप देंगे विद द लेटेस्ट डेकोर। सो लाइक यू नो, आई वॉज नॉट श्योर कि मैं इसको क्या करूँ, बट लेकिन मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं इसको जो है ना कि अपने किचन जो काउंटर के लिए मैं इसको जो है रिवैम करूँ, रीयूज करूँ, तो इसको हम जो है DIY करते हैं। तो मैंने इसको क्लीन अप कर लिया, ये मत ओके जी, मैंने पेंट को शेक कर लिया। और कोई भी आपके पास कोई भी प्लेट, कोई भी डिस्पोजेबल प्लेट, कुछ भी हो जो भी आपको फालतू रखना है, तो आप उसमें बस पेंट डालें। और मैं स्पंज यूज़ करूँगी, जो भी चीपेस्ट स्पंजेस मेरे पास हैं, नथिंग फैंसी। तो अब यहाँ पर वैसे आप लोग टेप वगैरह लगा लें, लाइक यू नो इसको कवर करने के लिए, अगर आप लोग जैसे न्यू हैं। वैसे तो क्योंकि मैं तो इतना टेप नहीं लगाऊंगी, अनलेस कि कोई बहुत चीज़ हो, जिसे कहते हैं कि जैसे कोई फर्नीचर का पीस हो तो मे बी शायद, लेकिन मैं नहीं टेप लगाऊंगी। ट्राई करूंगी कि मैं खुद ही अगर लेट्स सी, लाइक यू नो मे बी आई हैव टू डू टेप लेटर, मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं कि मुझे छोटा ब्रश चाहिए हो कि चाहिए हो, आई डोंट नो। आई एम ट्राइंग टू सी कि मैं एक्रेलिक पेंट करूँ कि मैं लाइक यू नो चॉक पेंट करूँ, आई डोंट नो। आई एम जस्ट, आई वॉज थिंकिंग टू डू स्प्रे पेंट, बट वो मेरे पास था नहीं। मैं चाह रही थी कि स्प्रे पेंट करके एक दफ़ा फारग हूँ, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट हैव चॉक स्प्रे पेंट, तो मुझे पता नहीं। सो अभी देखते हैं, क्योंकि इसके जो हैंडल्स हैं, सारा मेरा मसला इनके पास होगा, और मे बी मैं इनको भी वाइट कर दूँगी क्योंकि कोई पता नहीं है। आई वॉज थिंकिंग कि मैं इनको यही टोन रखूँ, लेकिन पता नहीं, देखते हैं, मे बी मैं इनको भी वाइट कर दूँ, आई डोंट नो। पहले हम बड़ा बड़ा कोट करते हैं, मे बी मैं वन साइड से, आई एम थिंकिंग कि अगर मैं वन साइड से चॉक पेंट ट्राई करूँ तो उसका क्या फिनिश आती है। आई हैवन ट्राइड चॉक पेंट ऑन दिस, बट आई एम श्योर कि चॉक पेंट शायद ज़्यादा शायद स्मूथ आए, क्योंकि इट सेज कि इट कवर्स द सर्फेसिस ईजीली, बट स्टिल आई हैव टू गिव एट लीस्ट 2 or 3 कोट्स, दैट आई एम फॉर श्योर, किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि वन कोट तो आपको पता है ऐसा बेस कोट यूज़ हो जाएगा। But I'm tired of this look, you know. So why not change the piece what I have, you know. बाहर से भी तो जाके आपको लेना है, तो आपको अपनी मर्जी का मिल जाएगा। इसके बाद मैं इसको जब डेकोर करूँगी, then I will show you on my क्या कहते हैं on my kitchen. Let's see how it goes. सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, तो अंदर क्योंकि मुझे वो डालना है, अंदर मुझे फ्लावर्स जैसा कुछ डालना है, तो जो अंदर ये जो उसके स्टॉपर्स वगैरह हैं ये ब्लैक हैं, सो आई डोंट माइंड कि अगर ये वाइट भी हो जाएंगे, आई डोंट नो, आई एम स्टिल लाइक यू नो ट्राइंग टू फिगर आउट के लाइक यू नो क्या होना चाहिए। ओके जी, मैं जाके नीचे से पानी लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने इस साइड पर चॉक पेंट यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी डार्क चॉक पेंट जो है वो हो रहा है, काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, सो बस लाइट सा इस पे करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और हवा आ रही है बाहर से, तो मेरा जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा है, सो इसको थोड़ा सा पानी का मैं एक छींटा बस मारा, चॉक पेंट में थोड़ा थोड़ा पानी का देना पड़ता है ताकि वो जो है स्मूथली जाए,
आई एम नॉट श्योर अबाउट द दिस सरफेस, लेकिन फिर भी स्टिल लाइक यू नो आप देख सक रहे हैं इट्स क्वाइट बेटर आई गेस नाउ. कहते तो हैं ये लॉन्ग वे जा रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा पता है आई एम रियली न्यू टू चॉक पेंट, तो आई डोंट नो, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लाइक यू नो डी आई वाई माई ओन प्रोजेक्ट्स. एज अभी तक जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता होगा मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ें खुद ही डी आई वाई करती हूँ. मुझे अच्छा लगता है, यू नो यू कैन सेव मनी ऑल्सो एंड इट्स योर पैशन ऑल्सो, लाइक दोनों चीज़ें हैं. सिंपल आप लोगों को आइडियाज़ दे रही हूँ, यू गाइज कैन डू लाइक यू नो दिस स्टफ. आपको बहुत सुकून भी मिलता है जब आप अपनी चीज़ें खुद प्रोजेक्ट्स करते हैं. यू फील रियली गुड व्हेन यू मेक समथिंग. होपफुली इस वीकेंड पे मेरा बाथरूम डेकोर हो जाएगा पाउडर रूम, सो देन आई विल लाइक यू नो आप लोगों को उसका भी व्यू दिखाऊंगी. सो आई थिंक दिस मच इनसाइड इज इनफ इनसाइड, ठीक है. सो अब हम क्योंकि ये भी पहला कोट है तो ये पहले कोट में तो इतना कवर नहीं होगा. तो अब मैं छोटा ब्रश लेके लाइक यू नो आई एम ट्राइंग टू गो अराउंड. ओके जी, अब मैं थोड़ा सा दूसरा ब्रश लेके आई विल ट्राई टू डू द लाइक द क्रेविसेस एंटर नज़दीक हो के, सो ताकि आप लोगों को जो है वो मोर क्लियर होए. ओके आप लोगों को मैं भी दिखाती हूँ. ओके जी, अब हम जो भी पेंट फिलहाल मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा. बी वेरी केयरफुल जेंटल लाइक यू नो टेक योर टाइम और करें. चाहें तो हम इस पर वाइट भी कर सकते हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू कीप दिस हैंडल्स लाइक यू नो इट इससे बिल्कुल वो एक आपको अर्थी जो फिनिश आती है, नेचुरल लुक जो है अच्छा लग रहा है आयरन्स का हैंडल्स का. सो आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा. सो चलें जी, मैं थोड़ा सा ये करके मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया लाइक यू नो आई एम ट्राइंग टू गो नियर एज नियर पॉसिबल, ट्राइंग टू सेव माई हैंडल्स लाइक यू नो आई वॉन्ट द नेचुरल फिनिश ऑफ दीज आयरन्स की. तो मैं ये करके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोट जब स्टार्ट करूँगी देन आई विल शो यू. ओके व्यूअर्स, अब मैंने इसको सेकेंड कोट जो है ये मैं सारा गोल्ड स्प्रे कर रही हूँ जो है इसके ऊपर. सो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा ये दिखा रही हूँ सैम्पल के तौर पे. मैं इसको बाहर लेके जाऊँगी और पूरा ये करूँगी क्योंकि उसके ऊपर फिर जो है ना हम ग्लिटर का कोट करेंगे. तो हम बाहर चलेंगे. ओके व्यूअर्स, ये मैं असल में बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो बाहर का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया. मैं इसको अपने पूरे को फैला रही हूँ ताकि ये मेरा कहीं फैले नहीं. सो मैं आपको थोड़ा सा स्प्रे पेंट बस करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा ऊपर से नहीं कर रही, दूर से बड़े प्रॉब्लम हो रही है. हम ये करेंगे, मेरा गोल्ड पेंट स्प्रे पेंट ख़त्म हो गया है. सो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि वाइट फिनिशेस वगैरह हैं, उनको अभी मैं देख रही हूँ कि इफ़ आई कैन फाइंड माई गोल्ड पेंट. सो थोड़ा सा उसे टचअप कर देंगे. ओके व्यूअर्स, मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड एक्रेलिक मेटैलिक पेंट पड़ा था, मतलब इट्स मेटैलिक इट्स तो थोड़ा सा क्योंकि ऑफकोर्स वो कलर डिफरेंट थोड़ा सा आएगा, बट लेकिन मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया कि अभी मुझे इसको कुछ और करना है. मैं इसी से अभी बेस तैयार कर रही हूँ. लोगों के पास और भी तरीके होंगे, जो मुझे समझ आ रही है मैं उस तरह कर रही हूँ. लाइक यू नो टोटली वट मेरे पास है मैं वो कर रही हूँ, कुछ भी नहीं. आई एम ट्राइंग टू गो एंड बाय फ्रॉम आउटसाइड सब कुछ जो भी घर में अवेलेबल हुआ. हाँ अगर कुछ नहीं हुआ कलर तो फिर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है दोनों गोल्ड में. लेकिन अभी ये नज़र गोल्ड नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर एक और कोटिंग करूँगी. सो सिर्फ मैं आप लोगों को आइडिया के लिए कि वैसे तो बहुत बहुत बार आर्टिस्ट बैठे हैं
लेकिन मैं आपको लोगों को सिर्फ अपना आइडिया अपना बता रही हूँ, मैं किसी के बिहाफ पे कुछ भी नहीं कह सक रही। दिस इज़ ऑल माई माई ब्रेन माई थिंकिंग जो भी है। और अच्छा, अब मेरा स्प्रे क्योंकि मैंने किया था तो वो मेरे आयरन के ऊपर कास्ट के ऊपर आ गया और वो रिमूव नहीं हो रहा। सो मैं सिंपल ये करूँगी कि मैं जाके आई विल गो एंड गेट सम ब्राउन पेंट और मे बी आई विल डू इट दिस ब्लैक। लेट्स सी मैं इसके साथ क्या करती हूँ, ठीक है? वो बाद की बात है, उसको हम आखिर में देखेंगे, क्योंकि पहले हम सारा कुछ जो है कवर कर लें, थोड़ा सा वाइट स्पॉट्स ज़रा लाइट हो जाए, बस हल्का हल्का, ओके व्यूअर्स, मेरे पास ये मॉड पॉज जो है स्प्रे है, क्लियर स्प्रे। अब मैं इसको, अब देखते हैं कि अब मैं इसके ऊपर, ओके व्यूअर्स, मेरे पास ये शैम्पेन कलर का ग्लिटर है। अगर ये ना हो तो आप लोग गोल्ड और सिल्वर को 50-50 कर ग्लिटर कर लें तो ये भी शैम्पेन ही कलर ऑलमोस्ट बन जाता है। तो अब मैं मॉड पॉज जो स्प्रे है, मैं मॉड पॉज स्प्रे थोड़ा थोड़ा डाली जा रही हूँ और मैं ग्लिटर डाली जा रही हूँ जिसमें मेरा बहुत सारा ग्लिटर अभी ज़ाया होगा। ओह, मुझे उसको देख देख के टेंशन शुरू हो गई है, इतना ग्लिटर मेरा ज़ाया होगा। लेकिन मैं इसको फिर से किसी पेपर में डाल के और मैं इसको फिर से जो है ना कवर करूँगी, ठीक है? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, जो कि मुझे जितनी भी समझ आ रही है। आई विल स्टार्ट, आई डोंट नो, ऊपर से करूँ नीचे से करूँ, आई हैव नो आइडिया, लेट्स सी। सो दैट्स वाई मैं इतना परेशान नहीं हो रही थी कि जो है थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स हैं। सो इट्स ओके, मेरे पास दूसरा वाला मॉडपॉज नहीं है, वो मेरे पास वाइट में है। आई वॉन्ट इट क्लियर, सो नहीं है अभी तो क्या करे बंदा। अब जो है जो मेरे पास होगा, अगर नई चीज़ें हुई तो फिर आई हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। अभी मैं नहीं जाना चाह रही, मैं चाह रही हूँ चीज़ें बन जाए। सो ये देखिए कितना इजीली आप लोग ये सब कुछ बना सकते हैं। यू डोंट हैव टू अब यही अगर पीस मैं बाहर लेने जाऊंगी तो $60 से तो कहीं पे भी कम नहीं मिलेगा, कहीं पे भी, किसी भी, अगर मैं अच्छी जगह से लूँ, इवन वॉलमार्ट में भी इतने का तो आराम से ही होगा, वॉलमार्ट में भी कोई सस्ता नहीं होगा। आप देख सक रहे हैं, राइट? सो अब चले हम ये हैंडल्स का क्या होगा, आई हैव नो आइडिया। ये मेरे प्रोजेक्ट्स की जो वीडियोस होती हैं थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बता लंबी होती हैं, क्योंकि आई वांटेड टू एक्सप्लेन जो है, लेकिन मतलब अक्सर ट्यूटोरियल्स होता है कि इतनी क्लियर नहीं होती तो फिर इंसान बहुत उलझता है। तो आई मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पूरा मिले, तो इसलिए आप लोगों को पूरी इंस्ट्रक्शंस मिले, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर जो है लास्ट तक देखा करें। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मतलब आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे और करेंगे जो है ज़रूर चीज़ें बनाएं और मुझे बताएं कमेंट्स में। ये देखें इधर ज़रा कम है स्प्रे, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस इज। ओह माय गॉड, लुक एट व्यूअर्स, कितना ब्यूटीफुल टर्न हुआ है, वल्लाहि बहुत बहुत खूबसूरत है। यू गाइस कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस टर्न्ड आउट, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो स्टिल आई हैव फ्यू टचेस टू डू, वन मोर कोटिंग, आई एम थिंकिंग टू एड लिटिल बिट सिल्वर हेयर एंड देयर, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क, आई डोंट नो, आई एम स्टिल नॉट श्योर। सो ऊपर से अभी तक ये गीला है, ऑन द रिम्स अभी तक ये गीला है, सो आई विल लेट इट ड्राई एंड देन आई विल डू
थोड़ा सा ऊपर ऊपर, बट आई डोंट वांट टू पुट द ग्लिटर इनसाइड. उसको मैं गोल्ड कोटिंग थोड़ी सी बस कर दूंगी, और थोड़ा सा मैं अभी ये एजेस जो हैं, हैंडल्स जो है, लेट्स सी, मे बी आई हैव टू डू सम ब्राउन और ब्लैक, यू नो, आई डोंट नो, लेट्स सी इफ आई हैव ब्राउन कलर और नो. तो चलें अभी जो है इसको ड्राई होने देते हैं, उसके बाद जो है मैं इधर में एक ग्लिटर भी जो है सारा इसको ज़रा संभालती हूँ और इसमें डालती हूँ दोबारा से, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको स्टेप दिखाती हूँ. ओके जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर एक और पूरा कोट नहीं किया, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ मुझे ग्लिटर कम लग रहा है मैंने जो है मॉड पॉज का जो ये जो ग्लॉस सीलेंट है, क्लियर सीलेंट, इसको मैंने करके तो मैंने उसके ऊपर सारा ग्लिटर कर दिया, और रिम्स के ऊपर भी मैंने सारा मॉड पॉज करके और उसके ऊपर मैंने जो है सारा ये ग्लिटर कर दिया. सो इट्स ऑलमोस्ट डन. अब जो है मैं थोड़ा सा हैंडल्स को कुछ फिगर आउट कर रही हूँ कि ब्राउन कलर या ब्लैक जो है उसको करके थोड़ा सा लाइक यू नो उनको भी मैं कर लूँ, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस कोट टू ड्राई. सो लेट इट ड्राई एंड देन लेट्स सी व्हाट कैन वी डू विद द हैंडल्स. ओके व्यूअर्स, मैंने थोड़ा सा, मेरे पास रस्ट कलर था, इट्स अ बंट सियाना और समथिंग लाइक यू नो, और थोड़ा सा मैंने ब्लैक को लेके थोड़ा सा लाइक यू नो सॉफ्ट ब्लैकिश कर ली है. ट्राइंग टू मेक इट लिटिल बिट ब्राउनिश, आई गेस आई हैव टू पुट येलो और समथिंग, बट वो मेरे पास कलर नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू थोड़ा सा, मतलब नॉट डैट ब्लैक, नॉट डैट लाइक यू नो बंट ऑरेंज, इन बिटवीन लिटिल बिट लाइक यू नो. अब मैं इनको थोड़ा सा इसको हैंडल्स पे कर दूंगी. आई डोंट नो व्हाट्स द आउटकम बिकॉज दिस इज़ अ वाटर बेस एंड दिस इज़ द एक्रेलिक, सो लेट्स सी लाइक यू नो क्या होगा ड्राई होके. अभी तो आप लोगों को इतना पता नहीं चलेगा, बस ड्राई होके सही हो जाए, बाकी यू नो अल्लाह मालिक है. आई जस्ट वांट अ नीट फिनिश. अभी मैं इसके ऊपर सीलेंट सीलिंग की कोटिंग करूँगी. नो आप लोग नहीं देख सक रहे, हाँ ओ नहीं, इट टर्न्ड आउट वेरी नाइस. आई डोंट नो यू गाइस कैन सी, बट आई डोंट वांट टू मूव द वेस्ट टू मच बिकॉज इट्स स्टिल वेट, और मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मैं ज़्यादा देर क्योंकि अगर एक दफ़ा मैं ये यहाँ से भी उठ गई तो देन लाइक यू नो फिर ऊपर आके दोबारा से इसको करना बहुत मुश्किल है. या सो इट्स टर्निंग वेरी गुड लाइक यू नो काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ब्राउनिश, यही मुझे चाहिए था, लाइक यू नो नॉट डैट ब्लैक, नॉट डैट लाइक यू नो काइंड ऑफ अ ब्राउन इन बिटवीन लाइक यू नो शेड. सो आई फाउंड आई मेड दैट परफेक्ट शेड बाय माई सेल्फ विद लाइक यू नो इट्स बर्न्ड सियाना. होल्ड ऑन, लेट मी सी द कलर. या बर्न्ड सियाना एंड ब्लैक, बट दिस इज वाटर बेस एंड दिस इज लाइक यू नो एक्रेलिक. वट एवर आई हैव लाइक यू नो आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, ओनली जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस लाइक यू नो मोर ब्यूटिफुल एंड मोर नाइस. So like you know it looks like you know perfect, that is a store bought thing, it's not like you know just I did the DIY like you know home. Of course वो तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा मैंने की है, लेकिन मेरा मतलब कि चीज़ ऐसी हो, ऐसी बने कि मतलब like you know it gives a professional look. Okay, it doesn't look like you know oh like you know you have done it. So that's my point to say. Of course वो तो अब मैं videos बनाती हूँ तो वो तो सब दुनिया को पता है कि मैं ही बनाती हूँ, but I want to say के it should be really nice the outcome that it looks like you know के आपने जाके बाहर से लिया है. That's my point to say. So I hope के आप लोगों को this project अच्छा लगा होगा मेरा. Okay जी YouTube family, देखिए मैंने इसको जो है final coat कर दिया है, और लाइक यू नो मैंने देखे आप हैंडल्स जो हैं इनको मैंने वो मिक्स ब्लैक और सियाना को मैंने करके टिंटेड ब्राउन हल्का सा लाइक यू नो इट्स डार्किश ब्राउन विद गोल्ड विद ब्लैक टच मैंने हैंडल्स भी सारे पेंट कर दिए हैं ऑन बोथ साइड्स, और लाइक यू नो दिस इज़ द फाइनल लाइक यू नो लुक. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अभी ये गीला है तो ज़्यादा पता है मैं आपको अब मैं इसको टच नहीं करना चाह रही. तो वंस लाइक यू नो इट ड्राइज एंड देन लाइक यू नो आई विल डिस्प्ले दिस एंड आई विल शो यू गाइस. ओके जी यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मैंने इसको डन कर लिया है. इसके ऊपर आप लोग तकरीबन 3-4 जो लेयर्स हैं ज़रूर उसकी देना मॉड पॉज की, जो एक्रेलिक ग्लू है या सीलेंट है कुछ भी है, ताकि जो ग्लिटर है वो इन प्लेस रहे. आप लोग इसका क्लोजअप देख सकते हैं. जो है मैंने 2 कोट्स किए हैं, बट आई थिंक आई विल डू 1 or 2 मोर कोट्स, ताकि ग्लिटर जो है अभी भी कहीं ना कहीं से गिर रहा है. सो आई डोंट वांट दैट.
सो क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर देखें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स बताना कि आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। ये मेरे यहाँ पर काउंटर पे आएगा और अभी उसके लिए फ्लावर्स लेने हैं। तो चलें इंशाल्लाह फिर फ्लावर्स लगाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे। ओके जी, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।